आज हम राजनांदगांव के डोंगरगढ़ तहसील के डोंगरगढ़ धार्मिक स्थल पे आए हैं, जिसको एक पूजनीय स्थल बोला जाता है। और हम यहाँ देखिए पीछे तरफ से श्रद्धालु नीचे लौट रहे हैं, और आज से हम अगले चुनाव तक नोटबंदी की सीरीज माता के आशीर्वाद लेने के बाद हम चालू करेंगे कि इस देश में नोटबंदी के बाद क्या असर पड़ा। और नोटबंदी के बाद मेन मुद्दा है उसका असर जो भी हुआ, लेकिन लोगों के अंदर ईमानदारी की भावना आई कि नहीं आई, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। और आज हम ये शुरुआत जय माता दी बोलते हुए, बम्लेश्वरी मैया की जय बोलते हुए हम चालू करते हैं। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है, भाई तुम्हारा नाम बताओ। आदित्य नंदेश्वर। पास आओ थोड़ा। आदित्य नंदेश्वर। नोटबंदी क्या है बताओ। नोटबंदी नहीं पता। नहीं अभी बताए क्या बताए थे, नोटबंदी में क्या हुआ था? नोटबंदी में 1000 की नोट बंद की थी और 500 की नोट बंद की। बढ़िया, तो उससे क्या हुआ? नोटबंदी। देखिए मैं शुरुआत आज नोटबंदी की एक बच्चे से किया हूँ, और नोटबंदी के बाद, नोटबंदी के बाद ईमानदारी आई। हाँ ये बोलता है ईमानदारी आई, तो हमारा विषय यही है नोटबंदी के बाद देश में ईमानदारी का आंदोलन चालू हुआ कि नहीं हुआ। पब्लिक प्रेस से मैं देवाशीष हूँ। आज देखिए हम बहुत सारे जय माता दी ये सभी श्रद्धालु हैं। जय माता। कैसा लगा आपको दर्शन? कैसा लगा? कहाँ से आए हैं आप? अर्जुंदा से। अर्जुंदा दुर्ग से? हम लोग आमला से आए, बैतूल जिला। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से? बेमेतरा जिला से। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा। दर्शन हर साल आते हैं दर्शन करने? हाँ जी। ये हम डोंगरगढ़ में हैं और आज हम लगातार श्रद्धालुओं से मिलते रहेंगे। मैया ने आपकी मुराद पूरी की? हाँ की है, पूरी की है। हाँ ठीक है, तो आपका भरोसा दुगना हुआ है ना, बड़े दिल से प्रार्थना की। आज कौन सा दिन है? पंचमी, गुरुवार। गुरुवार? हाँ पंचमी। पंचमी में कौन सी माता जी का हम पूजा करते हैं? याद नहीं है। आज स्कंद माता जी की पूजा करते हैं मेरे ख्याल से, ऐसा। तो बम्लेश्वरी मैया का प्रताप से आपकी मनोकामना पूरी करे बम्लेश्वरी मैया, एक साथ बोलेंगे, बोलिए बम्लेश्वरी मैया की जय। हम थे हाँ, बोलो बोलो बेटा, बोलो बेटा जय, बोलो बम्लेश्वरी मैया की जय। जय 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 जय। भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे? हम थे पब्लिक प्रेस से देवाशीष डोंगरगढ़ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़।